नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया। यूपी के जालौन जिले के गांधी इंटर कॉलेज में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को शरारती तत्वों ने बापू की प्रतिमा को इतनी बर्बरता से तोड़ा कि प्रतिमा से महात्मा गांधी का सिर क्षतिग्रस्त होकर अलग हो गया। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद प्रतिमा को फिर से लगवाया गया। मुंबई में मेट्रो टनल में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया। मुंबई में मेट्रो रेल के निर्माण कार्य के दौरान शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। टनल की खुदाई के वक्त पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल भी हुआ है। हादसे में घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 40 साल पुराने टैक्स नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद सीएम से लेकर बाकी मंत्री भी अपना टैक्स खुद भरेंगे। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी मिनिस्टर अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि मंत्रियों के आयकर विभाग का भुगतान अब सरकारी खजाने से नहीं किया जाएगा। बता दें कि मिनिस्टर्स सैलरीज अलाउंसेस एंड मिसलेनियस एक्ट 1981 के अंतर्गत सभी मंत्रियों के इनकम टैक्स बिल का भुगतान अब तक राज्य सरकार के ट्रेजरी द्वारा किया जाता था।